हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल से टेस्ट जोन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आपके सरकार पोर्टल को आप कैसे ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप काफ़ी सारे काम कर सकते हैं घर बैठे ही अपने मोबाइल या कंप्यूटर से। तो जुड़े रहे हमारे वीडियो के साथ, चलिए वीडियो। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है आपले सरकार। आपले सरकार टाइप करते हैं, सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन आपको चुन लेना है आपले सरकार। उसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। ये पूरा इंग्लिश में है, मैं यहाँ से इसको मराठी कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए मराठी, इस पर क्लिक करेंगे ये पूरा पेज मराठी में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपले सरकार, महाराष्ट्र लोक सेवा हक अधिनियम, आपली सेवा आमचे करते हो, श्री उद्धव ठाकरे माननीय मुख्यमंत्री, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले मैं आपको इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट और किस डिपार्टमेंट में आप क्या काम कर सकते हैं वो दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर अधिक माहिती साठी खाली सेवा वर्ग क्लिक करा। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये महसूल विभाग जो डिपार्टमेंट है इसमें आप क्या क्या काम कर सकते हैं ये आप देख लीजिए। अगर मैं एक एक चीज़ आपको पढ़ के बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए ग्राम विकास वो पंचायत राज विभाग, इसमें आप क्या क्या काम कर सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जन्म नोन दाखला, मृत्यु नोन दाखला, विवाह नोनी दाखला, दंड रेषा खाली असल्याचा दाखला, ग्राम पंचायत येने बाकी दाखला, निराधार असल्याचा दाखला, नमूना आठचा उतारा, कामगार विभाग में आप ये कामगार विभाग जो डिपार्टमेंट है इसमें ये सारे काम कर सकते हैं। और भी सारे कई सारे डिपार्टमेंट है, आप उसमें काफ़ी सारे काम कर सकते। देखिए जल संपदा विभाग, इसमें इतने सारे काम कर सकते। फिर ये उद्योग विभाग डिपार्टमेंट है, ये वन विभाग डिपार्टमेंट है, इसमें सारे काफ़ी काम कर सकते। आप यहाँ पर अपने मोबाइल कंप्यूटर या लैपटॉप से घर बैठे ही ये सब काम कर सकते हैं ऑनलाइन। तो चलिए मैं आपको इसकी आईडी कैसे रजिस्टर करते हैं वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे सॉरी। यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम पासवर्ड, अगर आपने इस पर पहले से आईडी क्रिएट की है तब करना है। अगर आप न्यू यूज़र है तो ये नवीन यूज़र, ये तो नो नहीं करा, ये जो ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे, कुछ नया टैब हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इसको मैं पहले मराठी में कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमको आईडी रजिस्टर करने के लिए दो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे आपको। सबसे पहला ऑप्शन है आपले मोबाइल नंबर पर OTP द्वारा पड़ताल करूँ यूज़र आईडी पासवर्ड बनवा, और दूसरा ऑप्शन है इसमें आपको अपनी पूरी डिटेल देनी है, फिर फ़ोटो देनी है, आपका एक आईडी प्रूफ देना है, आपके फादर का एक आईडी प्रूफ देना है। ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, इसका एक छोटा सा फॉर्म फिल होगा, मैं आपको क्लिक करके देता हूँ। ये इतना फॉर्म आपको फिल करना है पहले में, और दूसरा जो है मैं आपको ये देखिए दूसरे पर क्लिक करेंगे हम तो इसमें ये पूरी डिटेल हमको फिल करनी है। तो मैं आपको जो इजी है वही दिखा देता हूँ, पहला वाला जिसकी मदद से आप आईडी क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से। देखिए यहाँ आपको पर्याय वन और पर्याय टू नज़र आ रहे होंगे, तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे पहले पे, और इससे हम मोबाइल नंबर पर OTP मंगा के अपनी आईडी क्रिएट करेंगे। इस पर क्लिक कर दिए, यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है, ज़िला न्यूड़ा पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम अपना यहाँ पर ज़िला चुन लेंगे, ये परभनी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करके OTP पाठवा पर क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दिया। आप इंग्लिश में मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो मराठी में ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना OTP भी टाइप कर दिया। अब यहाँ पर आपको यूज़र नेम टाइप करना है, ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर यूज़र नेम, इसमें आप कोई भी अपना यूज़र नेम टाइप करके ये चेक यूज़र नेम जो है इस पर क्लिक करके चेक कर लीजिए कि आपका यूज़र नेम अवेलेबल है या किसी और ने लिया हुआ है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ही एंटर कर देते। चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर करके यहाँ पर चेक कर देता हूँ। देखिए यूज़र नेम में भी मैंने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दिया। अब हम इसे चेक करेंगे कि अवेलेबल है या किसी और ने लिया है। यहाँ पर देखिए ये यूज़र नेम अवेलेबल है। उसके बाद ये नीचे का फॉर्म हमें खुल जाएगा पासवर्ड एंटर करने का, इससे पहले ये नहीं खुला था, अब यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। अब इसमें यहाँ पर आपको पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड टाइप करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि पासवर्ड आपका स्ट्रांग होना चाहिए, उसमें स्मॉल कैपिटल स्पेशल नंबर और कैरेक्टर भी होना चाहिए।
तो चलिए मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर कर दिया। अब यहाँ पर पूर्ण नाम अंग्रेजी जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप अंग्रेजी में अपना नाम टाइप करेंगे तो मराठी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिक ये देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पर हमें क्लिक करें मराठी में नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर कन्वर्ट हो गए, हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पर आपको जन्म तारीख, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है तो यहाँ पर आपकी एज ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ पर मैं अपनी डेट कैलेंडर से चुन लेंगे, जैसे कि मेरी डेट है मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले टाइप करके मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर कर दी है। देखिए यहाँ पर इसने मेरी एज ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर ली है। उसके बाद ही यहाँ पर अपनी कंसेंट देंगे, ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है माला मान्य, इस पर क्लिक करेंगे और नॉन निकारा पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए हम यहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं और यहाँ पर हमको देख दिया गया है कि थैंक यू योर गवर्नमेंट हैज़ सक्सेसफुली रजिस्टर्ड दिस पोर्टल यूज़र नेम, जो हमारा मोबाइल नंबर हमने एंटर कर दिए थे वो, और यहाँ पर हमें डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिया गया है हमारे ज़िले का। इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद एक नया टैब हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें अपना यूज़र नेम, पासवर्ड, ये कैप्चा और हमारा ज़िला डिस्ट्रिक्ट चुन के लॉगिन करना है। यूज़र नेम आपका वही है जो आपने अभी अपना चुना था, जैसे हमारे इसमें है हमारा मोबाइल नंबर। चलिए मैं अपनी सारी डिटेल यहाँ पर फिल करके आपको दिखा देता हूँ। यूज़र नेम, पासवर्ड एंटर करने के बाद ये कैप्चा टाइप करेंगे जैसा लिखा हुआ है वैसे ही। उसके बाद अपना ज़िला यहाँ पर हमें अपना डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपना डिस्ट्रिक्ट देख लेंगे, ये देखिए परभनी, इस पर क्लिक करेंगे। अब लॉगिन पर सिंपली क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद सक्सेसफुली हम यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर अभी हमने कोई फॉर्म फिल नहीं किया है। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, ये जो लेफ़्ट साइड में आपको थ्री डॉट जो नज़र आ रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको मैं मराठी में कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको सारे डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे, सेवा अधिकारी नियम, संपर्क, ग्राम विकास वो पंचायत राज विभाग, इस पर क्लिक करेंगे। सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद इसको मराठी में कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर बहुत सारे दर्द रेशा खाली बीपीएल असलियाचा दाखला, जन्म नोनी दाखला, मृत्यु नोनी दाखला, ग्राम पंचायत ने बाकी नोनी विवाह दाखला। चलिए हम यहाँ पर जन्म नोनी दाखला पर क्लिक करेंगे, पूरे जा पर क्लिक करेंगे। दरिंद्र रेशा खाली असलियाचा दाखला, विवाह नोनी दाखला, हम जन्म नोनी दाखला पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऐसे सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे, ये फॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें अपना ज़िला, तालुका, ग्राम पंचायत, फिर जो जिसका आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका आधार नंबर एंटर करके समावेश करा पर क्लिक कर देंगे। इसकी आपके सरकार पोर्टल से आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट के काफ़ी सारे काम आप अपने घर बैठे यहाँ इजीली अपने मोबाइल फ़ोन से या कंप्यूटर लैपटॉप से कर सकते हैं। इसमें आप 7-12 भी निकाल सकते हैं। देखिए नमूना, 8-4 उतारा, मृत्यु नोनी, निराधार असलियाचा दाखला, आप काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। आप इसे एक बार रजिस्टर ज़रूर कीजिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे रजिस्टर कीजिए। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है, आप इजीली बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल से टेस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।